दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आदाब तमाम का मेरे नौजवान साथियों, कांग्रेस लीडर रशीद खान ने वसीम रिजवी पर तनकीद की और मुसलमानों से 3 दिसंबर को इनके खिलाफ होने वाले एहतजाज में शिरकत की अपील की। पेश है हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान खान और मोहम्मद शौकत की 18 तेलंगाना न्यूज से यह खुसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मौजूद हजरात, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माओ और बहनों, आज मुझे बड़ी तकलीफ़ से कहना पड़ रहा है कि वो मलून बदजनवर दुश्मन इस्लाम गुस्ताखे रसूल वसीम रिजवी लगातार हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करते आ रहा है। अरे मुसलमानों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। आज हमारा इस्लाम ख़तरे में है, हमारे कुरान मजीद ख़तरे में है, हमारी मसाजिद ख़तरे में है। एक मलून हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर उंगली उठा रहा है। याद रखो, हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। मुसलमान जब ठान लेता है तो हर वो चीज़ कर गुजर जाता है। और आज वक्त आ गया, मैं सारे आशिक रसूल से, सारे सच्चे मोमिनों से, मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि राशिद खान 3 दिसंबर पर रोज़े जुमा के दिन तेलंगाना बंद का ऐलान कर रहा है। और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आपके कारोबारों को, स्कूल को, कॉलेज को, दफ्तरों को उस दिन बंद कीजिए और मुजाहरा कीजिए अपने तख्वे का, इस्लाम से मोहब्बत का मुजाहरा करने का वक्त आ गया। आज हम आग बबूला हुए हुए हैं, हम दस्तूर के दायरे में रहकर अपने एहतजाज को अंजाम देना चाह रहे हैं। अरे ये मलून हर वक्त गुस्ताखी करते आ रहा है और हुकूमत खामोश बैठी हुई है। हुकूमत उसको सलाहों के पीछे नहीं भेज रही और मुसलमानों को ठेस पहुंच रही है। हम खामोश बैठने वालों में से नहीं है। अरे गुस्ताखे रसूल है वो। अरे मुसलमान, आज अगर से तुम अपने मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे तो कल के दिन, क़यामत के दिन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे जब पूछेंगे कि ऐ बंदे, मैं तुझको ताकत दिया था, ऐ बंदे, अल्लाह ने तुझे हर वो चीज़ से नवाजा था, जब एक गुस्ताखे रसूल जब मुझ पर उंगली उठा रहा था, तू खामोश क्यों बैठा? तो उस दिन हम रुस्वा हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे हमारे प्यारे नबी के सामने। हमें शर्मिंदा नहीं होना है, हमें एहतजाज करना है। हिंदुस्तान के दस्तूर के दायरे में रह के एहतजाज करना है। 3 दिसंबर जुमे के दिन सारे सड़कों को खाली कर देने का है। हर वो कारोबार बंद होना चाहिए, चाहे वो लोग अजला में रहें दो, चाहे वो लोग शहर के क्यों ना हों दो, अपने अपने तिजारत गाह को बंद करो, दफ्तरों को बंद करो। अरे मुजाहरा करो अपनी मोहब्बत का। अरे नबी की पे बात आ गई, इस्लाम पे बात आ गई, अब कब खामोश बैठे रहेंगे? कब तक खामोश बैठे रहेंगे? फिरका परस्त ताकतें उसका साथ दे रही है, उसको हिरासत में नहीं ले रही है, उसको सलाखों के पीछे नहीं भेज रही है। अरे वो मलून गुस्ताखी करते जा रहा है और एक मुसलमान खामोश नहीं बैठता। अल्लाह की कसम, अगर से ये दस्तूर नहीं रहता था तो राशिद खान उसका सर धड़ से अलग कर देता था। मैं क्या करूँ, दस्तूर के दायरे में रहकर मुझे एहतजाज करना है, अपने मांगों को पूरा करना है और ये एहतजाज को कामयाब बनाना है। मुसलमानों मुत्तहिद हो, इस्लाम की बात आ गई, हमारे प्यारे नबी की बात आ गई, मस्जिद की बात आ गई, मुसलमानों की बात आ गई, तो अरे मुसलमान खामोश मत बैठो। अगर से तुम एक दिन अपने कारोबार को बंद करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, अल्लाह की कसम उसमें बरकत होगी आगे। याद रखो, आज क्या माहौल हो गया हिंदुस्तान का, एक मलून ठहर के कुछ भी बोलते जा रहा, आला फला अल्फाज इस्तेमाल करते जा रहा और खामोश बैठे हुए हम अपने आल औलाद के बारे में सोच रहे, हम अपने कारोबार के बारे में सोच रहे, अपने घरों के बारे में कोई सोच रहे, कोई इस्लाम के बारे में सोच रहा है? क्या हमारे नबी के बारे में कोई सोच रहा है? तब तक खामोश बैठेंगे हम? नहीं बैठने वाले हम। 3 दिसंबर जुमे के दिन हर वो तिजारत गाह बंद होना चाहिए,
पूरे दुकाना बंद होना चाहिए। पूरे मैं आशिक़े रसूल से गुजारिश करता हूँ, आप लोग मेरे पैगाम को पहुँचाओ मुसलमानों के दरमियान, अजला में पहुँचाओ, मोहल्ले में पहुँचाओ, गलियों में पहुँचाओ, शहरों में पहुँचाओ। अरे बंद कर दो सारा तेलंगाना, हमारे प्यारे नबी की बात आ गई। और याद रखो भाई मुसलमानों, याद रखो, अगर से आज तुम सोए हुए रहेंगे तो तुम मुर्दा खौम कहलाएंगे। आगे वाली आने वाली नस्ल क्या कहेंगी, एक मलून हमारे इस्लाम पर निशाना तान रहा है और तुम गफलत की नींद में सो रहे हो। हमें नहीं सोना है, हमें बेदार हो रहा है। और मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ पूरे आशिक़े रसूल से कि बंद कर दो। 3 दिसंबर जुमे के दिन सारे सड़कें खाली हो जाना चाहिए। और अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अय अल्लाह वसीम रिजवी की मौत का मंजर मुझे दिखा। मेरे दिल में आग लगी हुई है, मेरे नबी के बारे में गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। हम सबके दिलों में आग लगी हुई है, मातम हो रहा है हमारे घरों में, हमारे जिंदगियों में मातम हो रहा है। हम खामोश नहीं बैठने वाले, नहीं बैठने वाले। हम इस एहतजाज को कामयाब करके बताएंगे और हुकूमत अपने घुटनों पे उसको ला के रहेंगे, उसको हुकूमत को घुटनों पे ला के रहेंगे। और वसीम रिजवी को हिरासत में लो बोल के हमारा मुतालिबा है। और जब तक वसीम रिजवी का हिसाब नहीं हो जाता हम खामोश नहीं बैठने वाले। अल्लाह अबरार फैशन फैब्रिक्स मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम रेमंड्स रीड एंड टेलर सियाराम और डिगजाम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन सूटिंग्स शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी डिजाइनर सूट्स जोधपुरी सदरी कुर्ता पाजामा और पगड़ी बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर। बदलते फैशन के हम कदम अबरार फैशन फैब्रिक्स मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस हुसैनी आलम रोड हैदराबाद।